फाइनली दोस्तों आज आर्मी डे के मौके पर आउट कर दिया सनी देओल ने गदर टू द कथा कॉन्टिन्यूस का पहला लुक, जिसमें वो कई सारे जवानों के साथ नजर आए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल होने वाली है गदर टू द कथा कॉन्टिन्यूस। और भाई ये भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि गदर एक प्रेम कथा मूवी को फिर से रिलीज किया जाएगा जून के महीने में, जिसके बाद जुलाई के महीने में रिलीज किया जाएगा गदर टू द कथा कॉन्टिन्यूस का ऑफिशियल ट्रेलर। और वही अगस्त के महीने में रिलीज कर दी जाएगी ये मूवी, जिसकी मेन लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर सनी देओल, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस अमीषा पटेल और उत्तर शर्मा जैसे शानदार एक्टर। और वही इस मूवी को अपना शानदार डायरेक्शन देंगे अनिल शर्मा, जिसको प्रोड्यूस भी खुद अनिल शर्मा ही कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मूवी लगभग बनी है 100 करोड़ के बजट से, जिसे रिलीज किया जाएगा केवल हिंदी लैंग्वेज में, और यही एकमात्र केवल इस मूवी का माइनस पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों गदर एक प्रेम कथा सभी लोगों ने देखी है, तो फिर गदर टू द कथा कॉन्टिन्यूस को पैन इंडिया लेवल पे क्यों ना रिलीज किया जाए, जिससे ये मूवी इस साल यानी कि 2023 की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी भी साबित हो सकती है। बॉलीवुड सिनेमा में ये मूवी तो पूरी तरीके से कब्जा कर ही लेगी, लेकिन यह मौका है कि अदर सिनेमाज पे भी पूरी तरीके से बॉलीवुड कब्जा कर ले, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड सिनेमा को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और गदर टू मूवी का पहला लुक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये भी लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही कौन कौन इस मूवी को 11 अगस्त को सिनेमाघरों में देखने वाला है यह भी कमेंट बॉक्स में लिख दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।